हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज मेरे पास गैराज में आ गई है होंडा शाइन 125 BS6 FI वाली वेरिएंट है। इसे ओपन किए थे इसके पंप और इंजेक्टर के क्लीनिंग के लिए, बट अगर यहाँ पे ऊपर देखा जाए, इसके इस वाले सरफेस पे नोटिस किया जाए तो कुछ अजीब आपको देखने को मिलेगा। अजीब इसलिए क्योंकि इसके अगर बॉडी में देखे जाए तो काफ़ी सारे अर्थ टाइट हैं, यानी 2 और 4 1 5 वायर एक यहाँ पे इसके इस वाले फ्यूल मीटर वाले वायर में 5 और यहाँ पे इसके न्यूट्रल वाले वायर में 6 और यहां पे इसके 3, यानी कंप्लीट 9 जगहों पे इसका अर्थ का वायर जाता है। तो कंपनी रिकमेंडेड, आज से पहले आपने देखा होगा BS3 और BS4 की गाड़ियों में अर्थ के लिए सिर्फ के सिर्फ एक वायर यूज होता था, बट अब BS6 की गाड़ियों में इतना सारा अर्थ दे देने की क्या आवश्यकता है, क्या है इसका वर्किंग, खराब हो जाए तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा अर्थ किसके लिए है। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक बने रहिएगा। और इसी वजह से मैंने पूरी बाइक को ओपन कर दिया है ताकि आपके साथ डिटेल शेयर कर सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं यहाँ पे इतने सारे अर्थ, न्यूट्रल में यहाँ पे अर्थ, ECU में इस जगह पे अर्थ, बैटरी में अर्थ क्यों दिया गया है, कंप्लीट सारे चीजों के बारे में बताएंगे। तो एंड तक बने रहिए और प्लीज सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पर डे इसी तरह से टेक्निकल और हेल्पफुल वीडियो लाते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक एक प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो मैकेनिक दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे इसके यहाँ पे एक 10mm का जो बोल्ट लगा हुआ था, इसे कर चुके हैं ओपन और कंप्लीट। आप देखें तो ये यहाँ पे कुछ अर्थ टाइट है, फिर बैटरी में टाइट है, ECU में टाइट है और इंजन में टाइट है। अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा होगा कि इतने सारे वायरिंग हार्नेस के अर्थ जा कहाँ रहे हैं, तो ये 9 जगहों पे जाता है। कहाँ कहाँ पे, चलिए सबसे पहले आपको काउंट करके बता देते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे जाता है हमारा हेडलाइट में, क्योंकि इसके हेडलाइट कम्प्लीटली जो है उसके अर्थ के तौर पे काम करता है, अर्थ भी वहां पे जाता है। तो एक तो हेडलाइट में जाता है, दूसरा इसके बैकलाइट में जाता है, तीसरा इसके इंडिकेटर में जाता है, चौथा इसके हॉर्न में जाता है, पांचवा इसके फ्यूल मीटर में जाता है, छठा इसके स्पीडोमीटर में जाता है, सातवां इसके बैटरी में जाता है, आठवां इसके OBD-ELM यानी DLC डेटा लिंक कनेक्टर में जाता है और नौवां ECU में जाता है। अब चलिए सबसे पहले आपके पास प्रूफ तो होना चाहिए कि कहाँ पे जा रहा है उसका प्रूफ। तो चलिए सबसे पहले आपको वायरिंग डायग्राम दिखाते हैं, उसके बाद आपको हम आगे का प्रोसेस बताएंगे और लाइव दिखाएंगे। एक वायर यहाँ से हटाएंगे और उस चीज का काम करना बंद हो जाएगा। तो ये इस बाइक का कंप्लीट वायरिंग डायग्राम है, और अभी तक अगर आप परचेज नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है और स्क्रीन पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें हम बात किस चीज की कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर देखिए तो वेल्डिंग ज्वाइंट नंबर 1 है इस जगह पे, और बॉडी अर्थ यहीं से हम निकाल लिए हैं। ये देखिए वेल्डिंग ज्वाइंट नंबर 1। अब यहाँ से वायर कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ये देखिए टर्न सिग्नल लाइट में जा रहा है यानी इंडिकेटर, और जस्ट इसके अपोजिट इंडिकेटर, और यहाँ पे भी एक बॉडी अर्थ में यूज किया गया है स्पीडोमीटर। और इस जगह पे यहाँ पे 3 वायर निकलते हैं, बहुत जगह पे जाते हैं। और देखिए फ्रेम ग्राउंड से निकला, हॉर्न में भी आया, यहाँ से ग्राउंड निकला तो यहाँ पे आया, और यहाँ से जो ग्राउंड निकला वो डायरेक्ट आ गया इसके बैकलाइट वाले एरिया में, और यहीं से ही जाता है हमारा बैटरी में। तो वायरिंग की अलग से वीडियो बनाएंगे कैसे हमारा वायरिंग वर्क करता है, बट इससे काफी ज्यादा आसान हो जाता है। अब चलिए आपको बाइक में एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो आपको देख पा रहेंगे फ्रेम ग्राउंड 1, फ्रेम ग्राउंड 2, फ्रेम ग्राउंड 3, फ्रेम ग्राउंड 4 इस जगह पे, और यहाँ पे अगर देखें तो वेल्डिंग ज्वाइंट 1, वेल्डिंग ज्वाइंट 2, और यहाँ पे इस जगह पे बर्थ के नाम इस जगह पे दिया हुआ है। अब चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पूरी जो है किस तरह से अर्थिंग का कंप्लीट सर्कुलेशन काम करता है, क्योंकि इसके पॉजिटिव वाले पे ऑलरेडी बना दिए हैं कि इग्निशन ऑन करने के बाद कहाँ कहाँ करंट जाता है, बट अर्थ अगर ना रहे तो अर्थ ना होने के बाद आपका पॉजिटिव करंट काम नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे जाता है। अब बारी आती है बाइक में एक्सप्लेन करने का और आपको साथ ही साथ बता देने का। तो सबसे पहला है हेडलाइट। तो हेडलाइट में आपने देखा होगा 3 तरह के वायरिंग जाते हैं, एक जाता है हाई बीम का, एक लो बीम का, और एक बॉडी अर्थ जाता है। तो यहां से एक बैकलाइट के हेडलाइट के लिए चला गया। अब बात कर लेते हैं बैकलाइट दूसरे नंबर पे। तो बैकलाइट के बैक साइड आपको दिखा देते हैं ताकि आपके साथ प्रूफ शेयर हो सके। तो यहाँ पे देखें बैकलाइट में इस जगह पे ग्रीन कलर का वायर आया है बॉडी अर्थ। अभी सिर्फ हम बॉडी अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो दूसरा नंबर पे हमारा बॉडी अर्थ। अब तीसरे नंबर में जो आता है वो आता है इंडिकेटर। तो चलिए इंडिकेटर का भी वायरिंग आपको हम दिखा देते हैं।
तो मैकेनिक दोस्तों ये इसका इंडिकेटर का वायर है और यही इंडिकेटर का वायर यहाँ से बैकलाइट यानी हेडलाइट यहाँ बैक साइड से फ्रंट के इंडिकेटर तक जाता है, यानी यहाँ भी वही अर्थ काम करता है और बैक साइड भी वही अर्थ काम करता है। अब चौथे नंबर पे जो अर्थ के लिए वायर जाता है उसके बारे में बता देते हैं, वो चौथे नंबर पे जाता है हमारा हॉर्न के लिए। तो यहीं पे अगर देखें तो यहाँ से जो अर्थ का वायर लिया गया है इस हॉर्न के लिए, तो यहाँ पे भी दिखा रहे हैं आपको ग्रीन कलर का वायर देखने को मिलेगा। तो ये देख पा रहे हैं दो तरह के वायर हैं, एक है डार्क ग्रीन एक है लाइट ग्रीन। तो जो डार्क ग्रीन है उसके अंदर 12 वोल्ट की रेगुलरली सप्लाई होती है, समझ पा रहे होंगे आप। और ये जो ग्रीन है ये बॉडी अर्थ के तौर पे काम करता है, जैसे स्विच को प्रेस करते हैं वैसे ही हमारा हॉर्न बजता है। तो देखें यहाँ पे भी कंप्लीट आया हुआ है हमारा ग्रीन कलर का बॉडी अर्थ हॉर्न को वर्क करने के लिए। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैकेनिक भाइयों की अगर कस्टमर यानी कंपनी चाहती तो सारे के सारे वायर एक ही बॉडी अर्थ में टाइट कर देती, बट ऐसा नहीं किया गया कि क्योंकि अगर एक बॉडी अर्थ काम करता है तो सारा अगर कट जाता है तो सारा का सारा वर्किंग बंद हो जाएगा। बट यहाँ क्या है कि बैकलाइट का कटा तो हेडलाइट का काम करेगा, हेडलाइट का कट गया तो यहाँ पे क्या है कि इंडिकेटर वाला काम कर लेगा, ECU का कट गया तो बैटरी वाला काम कर लेगा, बस वही सिस्टम से काम करता है। बट पहले क्या था कि एक बॉडी अर्थ अगर काम कट जाता था तो उसे हम बॉडी में टच करके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते थे, बट अब टफ कर दिया गया है क्योंकि आपको अब अलग अलग से बॉडी अर्थ चेक करना पड़ेगा कि कौन सा किसके लिए जा रहा है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कंप्लीट आपके पास वायरिंग डायग्राम होना। अब हम बात कर लेते हैं पांचवें मीटर नंबर की। तो पांचवें नंबर में जो जाता है वो फ्यूल मीटर में जाता है, जो फ्यूल मीटर बताता है कंप्लीट इसके फ्यूल टैंक में। तो ये देखिए कंप्लीट प्रूफ आपके साथ है क्योंकि वायरिंग हार्नेस गलत नहीं हो सकता है। तो ये फ्यूल मीटर का कपलर है जिसमें एक व्हाइट प्लस ऑरेंज कलर का वायर है और दूसरा ग्रीन कलर का वायर है। तो ग्रीन कलर का कहां पे आ गया, फ्यूल मीटर वाले वायर में आ गया, यानी फ्यूल मीटर को वर्किंग के लिए भी 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ साथ एक बॉडी अर्थ इसके ग्राउंड से मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम छठे की नंबर के। तो छठा नंबर है हमारा स्पीडोमीटर। तो आपको पता होगा स्पीडोमीटर में वर्क के लिए 12 वोल्ट की आता ही है और जब 12 वोल्ट की सप्लाई आएगी तो उसके 12 वोल्ट को वर्किंग के लिए इसका बॉडी अर्थ होना जरूरी है, जब ही काम करेगा। तो एक इसके स्पीडोमीटर के लिए आता है। तो छह जगहों को मैंने कवर कर लिया। सातवें नंबर में है बैटरी। जी हाँ मैकेनिक दोस्तों, एक वायर यहाँ पे ये भी है कि बैटरी से कंप्लीट अटैच है, वो तो आपको पता हो। तो ये इसका बैटरी वाला टर्मिनल है और यहाँ पे दिखाया जाए तो ये इसका पॉजिटिव वायर है जो कंप्लीट इसके सेल्फ रिले बहुत सारे जगहों पे जाता है, काउंट करना बेवकूफी है। और ये इसका बॉडी अर्थ जो कंप्लीट इसके बॉडी से भी टाइट होता है। और साथ ही साथ मैंने आठवें नंबर को भी कवर कर लिया। आठवां नंबर पे जो बॉडी अर्थ आता है वो इसके DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर में आता है, क्योंकि आपको पता होगा OBD कनेक्ट करने के लिए जब तक अर्थ का कनेक्शन नहीं आएगा हमारी गाड़ी में OBD कनेक्ट नहीं होगा। तो इसमें भी एक अर्थ का वायर यूज किया गया है जो ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा, जो बॉडी अर्थ के तौर पे काम करता है। अब लास्ट एक जो वायर है नौवें नंबर का, वो नौवे नंबर का वायर आता है हमारे इस वाले ECM में। अगर ECM को अर्थ प्रोवाइड नहीं होगा तो हमारी गाड़ी सेल्फ नहीं लेगी, हमारी गाड़ी पंप काम नहीं करेगा और फ्यूज वगैरह उड़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी ग्राउंड दिया गया, उसी हिसाब से यहाँ पे भी एक ग्रीन लाइट आपको ग्रीन कलर का वायर देखने को मिलेगा जो न्यूट्रल के लिए जाता है, ये कंप्लीट इंजन के ग्राउंड में टाइट होता है। वैसे भी अगर और डिटेल चाहिए तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट एक्सप्लेन किया गया है एक एक चीजों के बारे में कि मैंने कहाँ कहाँ पे अर्थ दिया हुआ, कंपनी खुद कहती है। बात कर लेते हैं बैटरी से, तो बैटरी से दो ग्राउंड निकलता है, एक ग्राउंड डायरेक्ट आ जाता है इसके इस जगह पे ऐसे आते हुए यहाँ पे इसके इस फ्रेम नंबर 3 पे, और दूसरा जो यहाँ से निकलता है अर्थ वो चला जाता है ECM में। अगर यहाँ पे देखें तो दो वायर निकल रहे हैं बैटरी से, एक तो जा रहा ग्राउंड में, दूसरा जा रहा है इसके ECM को अर्थ प्रोवाइड करने के लिए। इसी हिसाब से यहाँ पे देखें DLC से जो निकल रहा है ये DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर, तो ये जो वायर निकल रहा है ग्रीन कलर का वो भी यहाँ से जाते हुए कंप्लीट दो जगह पे जा रहा है, एक तो ECM के पास जा रहा है और साथ ही इस जगह पे जाते हुए और कंप्लीट यहाँ पे ग्राउंड में आ जाता है इस जगह पे। तो ये इस तरह से वायरिंग हार्नेस वर्क करता है। तो मैकेनिक भाइयों आप अपने हिसाब से बताइए कि क्या कंपनी रिकमेंडेड, पहले सिर्फ एक वायर जो दिया जाता था ग्राउंड के तौर पर वो बेटर था, या फिर इतने सारे वायरिंग ग्राउंड में बढ़ा दिया है ये बेटर है। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, इसलिए कंफ्यूजन बढ़ जाएगा क्योंकि इतने सारे वायर में अगर कोई भी एक छोटा सा वायर कटता है तो फिर गाड़ी में आपकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उम्मीद करते इस वीडियो से सीखने लायक मिला और कोई भी BS6 के वैसे इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि पर डे इसी तरह से टेक्निकल और
हेल्पफुल वीडियो आप सभी तक लाते रहे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। पॉजिटिव का भी वीडियो बनाया कि कहाँ कहाँ पे जाता है, आज मैंने अर्थ को एक्सप्लेन कर दिया कि कहाँ कहाँ पे अर्थ जाते हैं और इतने सारे अर्थ क्यों दिए गए हैं कंप्लीट प्रूफ के साथ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।